स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश से यूनिट थ्री पोयम रन। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन, रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, run little races with east little breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again, run and be merry and all through the day, run to the country, away away। ये जो पोयम है ये लिखी है मैरी डर्नट ने, पोएटेस कहती हैं, कवित्री कहती हैं। अच्छा, पहले जो है ना पोएट, जो पोयम होती है ना, पोयम होती क्या है, पोयम में एक आप उसको गा के भी बोल सकते हो, है ना, वर्ड्स में भी बोल सकते हो। और पोयम में होता क्या है, थोड़े से वर्ड्स में, बहुत कम वर्ड्स में पोएट कुछ भी कह देता है ना, बहुत चीज़ें बोल देता है। कहने का मतलब इसको ये कह सकते हैं कि गागर में सागर, है ना, थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पोयम में, पोएट जो है, कवित्री जो है, पोएटिस जो है, वो कह रही हैं कि हमको कहाँ दौड़ के जाना है, अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, एंड रन इन टू द सन, धूप में, आउट टू द कंट्री, गांव के बाहर, रन रन रन, गांव में दौड़ना है, दौड़ना है, आउट टू द कंट्री, गांव में जा कर के। मतलब ये कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ से, बच्चों को क्योंकि खेलना बहुत पसंद होता है, क्या आप जो बच्चे शहरों में रहते हैं, आप मुझे बताइए क्या वो लोग दौड़ पाते हैं अगर उनके आसपास कोई पार्क नहीं हो, और अगर उनकी गलियों में बहुत भीड़ भाड़ रहती हो तो वो बिल्कुल दौड़ नहीं पाते हैं। तो वो पोएटिस जो है वो कह रही है कि बच्चों को कहाँ जाना है, शहर से दूर और धूप में जाना है, गाँव की ओर जाना है, और वहाँ क्या करना है, दौड़ना है, दौड़ना है ना, रन इन द रेन ड्रॉप्स, और वहाँ पर जब बारिश की बूंदें पड़ रही होंगी तो वहाँ पे दौड़ना है, क्योंकि उसमें आपको क्या होगा, जब आप भीगेंगे बारिश में तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। रन बीनीथ द ट्री, और पेड़ों के नीचे दौड़ना है, बीनीथ कहते हैं नीचे को, नीचे किसी चीज़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे दौड़ना है। आजकल बच्चे कहाँ रहते हैं, एसी में रहते हैं ना, सारा दिन बंद, और उसकी वजह से कई बच्चे बहुत बीमार पड़ने लग जाते हैं, और जो बच्चे खुली हवा में जीते हैं ना तो वो इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है, पोएटिस क्या कह रही है कि आपको पेड़ों के नीचे दौड़ना है, रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेसेस दौड़नी है, विद ईज लिटिल ब्रीज, हर हवा के साथ, जब वो ठंडी ठंडी हवा पड़ेगी और आप दौड़ेंगे तो उसमें आपको बहुत खुशी महसूस होगी और आप उसमें बहुत स्ट्रांग बनेंगे। विल रन डाउन द हिल साइड, ऊपर हिल साइड में जाके, हिल पे जाके यूँ नीचे की ओर दौड़ो, जब आप खिसकते खिसकते नीचे जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। कुछ बच्चे तो वहाँ पर लेटते हैं, घूमते हैं, राउंड 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 ऊपर से नीचे, बहुत एंजॉय करते हैं। रन अप द लेन, जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं ना वहाँ दौड़ना है। रन थ्रू द मीडो, मीडो कहते हैं जहाँ पर लोग घास, घास के मैदान होते हैं ना, जहाँ पर लोग अपने जानवरों को चराते हैं, एनिमल्स को चराते हैं, है ना, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, वहाँ पे दौड़ना है, और फिर उसके बाद वापस की ओर दौड़ना है। रन एंड बी मैरी, दौड़ो और खुश हो, जब आप दौड़ते हैं तो बहुत खुशी होती है ना, दौड़ो और खुश हो सारा दिन, और रन टू द कंट्री, गांव की ओर दौड़ो, अवे अवे अवे, शहर से दूर जा कर के, दूर जा कर के, क्योंकि गाँव में ऐसा माहौल होता है कि बच्चे फ्रीली आराम से खेल सकते हैं। तो ये जो पोएम है ये लिखी है मैरी डॉनेट ने, और इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, वो है रेन ड्रॉप्स, बीनीथ, ब्रीज, हिल साइड, मीडो, मैरी। रेन ड्रॉप्स कहते हैं जो बारिश की बूंदें आती हैं, बीनीथ कहते हैं नीचे, किसी चीज़ के नीचे, ब्रीज कहते हैं जो कूल जेंटल विंड होती है ना, हवा, उसको, हिल साइड जो पहाड़ों की साइड, और मीडो मैंने अभी आपको बताया घास के जो मैदान होते हैं ना, जहाँ पे लोग एनिमल्स को चराते हैं, और मैरी बी हैप्पी, खुश होना। तो अभी जो है मैंने इस पोएम में, इस वीडियो में तो मैं इतना ही बताऊंगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज, और एम ऑफ नसरुद्दीन इसका एक और चैप्टर है, उसकी भी एक्सप्लेनेशन करेंगे इस यूनिट की,
और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।